नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जोशी, न्यूरोलॉजिस्ट, एमबीबीएस एमडीडी न्यूरोलॉजी फ्रॉम जीवी कॉलेज न्यू दिल्ली। मैं आपको मिर्गी को एपिलेप्सी या फिर सीजर डिसऑर्डर बोला जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जब मरीज को बार बार दौरे करते हैं उसको हम मिर्गी कहते हैं। मिर्गी एक न्यूरो डिसऑर्डर है, स्नायु तंत्र का एक डिसऑर्डर है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में गतिविधियों में चेंज होने की वजह से दौरे पड़ते हैं। कई बार इसका कारण होता है, कभी कभी ये बिना कारण के भी होती है। मेन जो के कारण होते हैं वो होता है स्क्लेरोसिस डिसॉर्डर, यानी कि दिमाग में कीड़े की गांठ या फिर दिमाग की टीवी या फिर जेनेटिक हो सकती है, अनुवांशिक हो सकती है या फिर ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या सर में चोट लगती है या स्ट्रोक हुआ है। तो इन सब लक्षणों के कारण मिर्गी उत्पन्न होती है। तो मेन चीज जो अगर कभी किसी को दौरा पड़ता है तो एट द टाइम मतलब जिस समय दौरा पड़ रहा है उस समय क्या प्रिकॉशंस लेने हैं पहले मैं ये बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको कैसे कंसल्ट करना है और उसके बाद क्या क्या जांच करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर कभी किसी मरीज को दौरे पड़ते हैं आमतौर में जो जिसको हम बड़े दौरे बोलते हैं उसमें चारों हाथ पांव ऐसे ऐसे हिलते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, जीभ कट जाती है और मुंह से झाग निकलता है और मरीज 2 से 3 मिनट के लिए बेहोश हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मरीज को आपको करवट देके लेटाना है, हल्का सा तकिया सर के नीचे रखना है, एक साइड को आपको करवट देनी है, उसके मुंह में कुछ नहीं डालना है, हाथों को जोर से नहीं दबाना है, किसी भी ज्वाइंट पे वजन नहीं डालना है और उनके मुंह में चम्मच या वो कोई भी चीज नहीं डालनी है, ना ही कोई चीज सुमानी है। कुछ देर के लिए आपको करवट दिलाकर लेटाना है। उसके बाद जब वो होश में आते हैं तब एकदम से कुछ चीजें हैं मुंह में पानी और ये सब नहीं डालना है, थोड़ी देर वेट करना है, उनको बिठाएं। उसके बाद फिर आप उनको जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां ले जाएं, वहां ले जाकर आपको जो भी ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, ईईजी जो भी टेस्ट होते हैं वो कराने होते हैं। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस के अंदर न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट जो भी आपके डॉक्टर नियर बाय होंगे सुपर स्पेशलिस्ट उनको दिखाते हैं, नियमित तरह से आपको उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो मिर्गी में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मिर्गी के दौरे कई टाइप के होते हैं। किसी में जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो आपको क्लासिकल जनरलाइज्ड पॉलीक्लोनिक सीजर कर दिया, किसी में ऐसा होता है कि केवल उस समय के लिए मरीज रुक जाता है, कोई काम करते करते रुक जाता है या फिर कुछ कह लोगों की नजर उसको चक्कर भी ना पड़ता, उसमें वो बिहेवियर अरेस्ट हो जाता है, कुछ सेकेंड का रहता है, उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये करना है कि मरीज को जब भी होता है उसका अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना लीजिए, उसके बाद डॉक्टर को वो वीडियो आप दिखाई कि दौरे के दौरान ये चीजें इनको होती हैं, तो उससे इलाज में बहुत मदद मिलती है कि आपको किस टाइप की दवा देनी, क्योंकि हर टाइप के दौरों को कोई सी दवाओं में डिफरेंस होता है। तीसरी चीज ये है कि उसके बाद आपको जाँच करानी होगी, जैसे MRI हो गया या CT स्कैन हो गया या फिर आपका EEG हो गया, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मिर्गी की बीमारी आमतौर पर पूरा कोर्स किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि 8-10 दिन के लिए दवा दी, मिनिमम 2 साल 3 साल या किसी किसी को अगर अनुवांशिक मिर्गी है तो जिंदगी भर भी दवा खानी पड़ती है। अगर किसी को मिर्गी के दौरे, बड़े दौरे जो मैंने आपको बताया, किसी को एक के बाद एक 2 दौरे आ गए हैं या फिर आपका जो मरीज जो है 5 मिनट से ज्यादा होश में नहीं आता है या फिर वो प्रेग्नेंट है या फिर मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज और ये सब है या एक साइड पैरालाइज है, ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, फिर आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक के बाद एक दौरे पड़ते हैं तो उससे मस्तिष्क में परमानेंट डैमेज होने का खतरा रहता है। कभी भी मिर्गी की दवा आप बिना सलाह के ना छोड़ें, ना ही कम करें। अगर दवाओं से कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन होता है तुरंत अपने डॉक्टर को नेक्स्ट डे आप या उसी समय आप कॉल कर दें, मैसेज कर दें, बता दें, क्योंकि किसी किसी दवाइयों से इनमें एलर्जी भी हो जाती है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको जिस तरीके से बताया गया आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन किसी से कंसल्ट करके आप अपना ठीक है।